अब यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखो 16 वाले क्वेश्चन से, और 16 वाले क्वेश्चन में एक फंक्शन दे रखा है और मुझे बताना कि x की किस वैल्यू पर ये फलन जो है वर्धमान होगा। क्या करना होगा यहाँ पर, सबसे पहले f डैश x निकालेंगे, फिर चरम बिंदु निकालेंगे, चरम बिंदुओं को एक संख्या रेखा पर लिखेंगे और पता लगाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर सबसे पहले देखो f डैश x में निकाल लेता हूँ, तो f डैश x क्या आएगा हमारे, f डैश x अगर हम निकालते हैं तो इसका तो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा हमारे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लोग का क्या होता है 1/1 में एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इसका एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करोगे तो एक्स का तो हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा हमारे 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा हमारे 2x हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर इस ब्रेकेट में एलसीएम ले लेता हूँ। अगर इस ब्रेकेट में हम एलसीएम लेते हैं तो कंडीशन आ जाएगी 2 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एलसीएम अगर मैं लेता हूँ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बचेगा देखो अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स, ऐसा करने से क्या होगा ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमने एफ डैश एक्स फाइंड कर लिया और एफ डैश एक्स का रिजल्ट आ गया 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस में 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? ये इक्वेशन आ गई हमारे फर्स्ट। अब हमें निकालने हैं चरम बिंदु, तो चरम बिंदु के लिए एफ डैश एक्स को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। चरम बिंदु के लिए मैं लेने वाला हूं एफ डैश एक्स बराबर 0, यानी 2 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इधर आ जाएगा हमारे माइनस में अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्लियर? अगर मैं इन दोनों को सोल्व करता हूँ ना तो क्या रिजल्ट आएगा देखो, अगर मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम लिया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये क्या आएगा 2 प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर। क्लियर? ये कंडीशन मैंने थोड़ी सी डायरेक्ट लिख दी, इन दोनों का एलसीएम लेकर सॉल्यूशन निकाल लिया। अब इसको मैं राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, ये आ जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा करने से क्या होगा देखो, ये दोनों टर्म सेम है ना तो कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर आप लोगों को आंसर दिखेगा 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। क्लियर? अब मैं क्या करता हूँ दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालनी, अभी तक जब तक एक्स अंडर रूट में रहेगा वैल्यू कैसे निकालोगे, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको राइट साइड में लेकर क्या करने वाला हूँ, वर्ग करने वाला हूँ। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4 एक्स की पावर 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर और इधर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओनली, क्योंकि अंडर रूट ही तो टेगा। तो इन सभी को अगर हम इधर लाते हैं तो देखो 1 तो हो जाएगा कैंसिल और ये आ जाएगा हमारे 3 एक्स की पावर में 4 प्लस में 4 एक्स स्क्वायर, सॉरी 4 एक्स की पावर 4 और 3 एक्स स्क्वायर। क्लियर? इक्वल्स टू 0, इसमें से कॉमन आ रहा है हमारे एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे, अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो ये आएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0 आ गया। क्लियर? अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर के दो रिजल्ट आएंगे, एक तो एक्स स्क्वायर बराबर 0, एक इस ब्रेकेट से भी एक्स स्क्वायर का रिजल्ट आएगा, लेकिन इस ब्रेकेट से एक्स स्क्वायर का मान आएगा -3/4। तो अगर एक्स स्क्वायर ही नेगेटिव है तो एक्स तो इमेजिनरी हो गया, इमेजिनरी वैल्यू को हम एक्सेप्ट करते ही नहीं है, तो फिर हमें केवल एक ही वैल्यू मिली 0। क्लियर? और 0 के लिए मैं रिजल्ट निकालूंगा। तो अब चिन्ह का निर्धारण कर लेते हैं, बिंदु क्या आ गया हमारे x बराबर 0 आ गया। अब x बराबर 0 के लेफ्ट में और राइट में हमें चिन्ह का निर्धारण करना है, तो यहाँ पर मैं 0 के इधर वाली कोई वैल्यू पुट कर देता हूँ, कहाँ पर, इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं पुट करता हूँ 1 पुट कर रहा हूँ देखो, तो यह आएगा 2 माइनस 1/2 और माइनस में 1 अपॉन में अंडर रूट 2, तो ये दोनों तो मिलकर हो जाएंगे 3/2 और इसको मैं क्या करता हूँ अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, ऐसा करने से ऊपर तो हो जाएगा 1.4 और नीचे हो जाएगा हमारे 7, तो 1.5 माइनस 0.7 क्या आया हमारे, इस रिजल्ट इस एरिया में आ गया हमारे पॉजिटिव साइन। अब अगर मैं इस एरिया की बात करूँ तो मैं -1 पुट कर देता हूँ, तो एफ डैश एक्स में -1 पुट करोगे तो क्या आएगा, ये 2 माइनस 1/2 और अगेन -1 अपॉन अंडर रूट 2, क्योंकि -1 का होल स्क्वायर भी प्लस में ही चेंज होगा, तो टोटल चिन्ह अगेन वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी नंबर लाइन दो पार्ट में सेपरेट हुई थी और दोनों ही पार्ट में पॉजिटिव आ गए, इसका मतलब फलन जो है पूरी तरीके से क्या हो गया हमारे, वर्धमान हो गया। क्लियर? ये क्वेश्चन हो गया हमारे फर्स्ट वाला।
आप लोग इस नंबर लाइन को बनाएं इसमें क्वेश्चन में। अब मैं चलता हूं आगे। ये कह रहा है कि एक फंक्शन हमें दिखाई दे रही है एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स माइनस वन, वर्धमान होगा, कब वर्धमान होगा? तो सबसे पहले तो यहाँ पर इस फलन को मुझे साधारण फलन में बदलना है, तो साधारण फलन में बदलने के लिए यहाँ पर एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ये हमने नंबर लाइन बना ली और इस नंबर लाइन पर दो पॉइंट आएंगे, जीरो और वन। कहाँ से आए? इससे तो जीरो आया और इससे क्या आ गया हमारे, वन आ गया, क्योंकि फंक्शन जो है थ्री पार्ट में सेपरेट हो गया, सॉरी नंबर लाइन थ्री पार्ट में सेपरेट हो गई तो फंक्शन भी थ्री पार्ट में सेपरेट होगा। और कंडीशन क्या आएगी, एक्स लेस देन जीरो, जीरो लेस देन एक्स लेस देन वन और एक्स इज ग्रेटर देन वन के लिए, क्लियर। अब अगर मैं इस फंक्शन को सेपरेट अगर करता हूँ तो देखो जीरो से इधर वाले मानों की बात कर रहा हूँ, जीरो से छोटे वाले मान। अगर जीरो से छोटे वाले रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी नेगेटिव वैल्यू रख दो, तो माइनस वन अगर इसमें रखता हूँ तो ये तो हो जाएगा नेगेटिव, और माइनस वन माइनस टू ये भी क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा, क्लियर। इस बात को लेकर कन्फ्यूजन हो जाता कई बार कि हमने तो अब तक ये सीखा है कि मोड में तो माइनस का है चाहे प्लस का है, बाहर निकल के तो वो पॉजिटिव बनता है। तो जब नंबर रखते हैं ना, कोई भी संख्या जब रखते हैं ना, तब की बात है। अगर मान लो किसी फंक्शन का हम चिन्ह डिसाइड करते हैं ना, अगर मान लो हमें साइन डिसाइड करना होता है तो अंदर जो चिन्ह बचता है वही हमें बाहर लगाना होता है, क्लियर। तो यहाँ पर जीरो से छोटा एक्स का मान क्या ले रहे हैं हम, लेस देन जीरो, तो जीरो से छोटा अगर इसमें रखते हैं तो ये भी नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव आएगा, तो माइनस का एक्स और ये आ जाएगा प्लस एक्स माइनस वन, क्योंकि एक माइनस तो ऑलरेडी एक माइनस इसकी वजह से गया है। जीरो से वन के बीच में अगर डिसाइड करना तो इसके बीच में कोई भी नंबर सोचो, तो इसके बीच में कौन सा नंबर हो सकता है, तो इसके बीच में नंबर हो जाएगा हमारे 0.5, तो ये आ गया पॉजिटिव और ये क्या हो गया हमारे नेगेटिव, तो ये आ जाएगा, देखो ये तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये तो है प्लस एक्स और ये भी प्लस का हो जाएगा, प्लस में एक्स माइनस वन, ग्रेटर देन वन के लिए टू पुट कर दो तो ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, तो एक्स माइनस एक्स और माइनस में वन, क्लियर। तो फाइनली हमने एफ एक्स निकाल लिया देखो, और वो एफ एक्स जो है इस प्रकार आ गया, एफ एक्स क्या आ जाएगा देखो, ये तो बन जाएगा हमारे माइनस वन, ये बन जाएगा टू एक्स माइनस वन और ये बन जाएगा हमारे वन। ये कब आया, एक्स लेस देन जीरो पर, और ये कंडीशन है जीरो लेस देन एक्स लेस देन वन पर, और ये कंडीशन है एक्स ग्रेटर देन वन पर। कुल मिला के हमने एफ एक्स को साधारण फलन में बदल दिया। अब यहाँ पर मुझे बताना है कि कब ये वर्धमान है और कब आसमान है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका डेरीवेटिव लेना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका डेरीवेटिव लेता हूँ एफ डेस एक्स, तो क्या आएगा देखो, इसका तो हो जाएगा जीरो, इसका हो गया टू और इसका हो गया हमारे वन, क्लियर। तो यहाँ पर जीरो लेस देन, सॉरी इसका भी जीरो हो गया, जीरो एक्स लेस देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो एंड जीरो लेस देन एक्स लेस देन वन एंड एक्स ग्रेटर देन वन, ये तीनों कंडीशन आ गई। दो के रिजल्ट तो जीरो है और एक पॉजिटिव है। अब जीरो जिनके रिजल्ट है उनमें तो हम बता ही नहीं सकते कि धनात्मक आया कि ऋणात्मक आया, हमें क्या बताना था कि बताओ यहाँ पर ऐसा कौन सा अंतराल है जहाँ पर फलन क्या होगा, वर्धमान होगा, और वर्धमान के लिए हमें क्या बताना चाहिए, एफ डेस एक्स पॉजिटिव कहाँ पर, तो एफ डेस ओनली पॉजिटिव इसी क्वाड्रेंट में, मतलब इसी रेंज में जीरो से वन में, तो जीरो से वन वाला क्या हो जाएगा हमारे वर्धमान के लिए हो जाएगा। इनका क्या करेंगे, तो इनमें स्थिति जो है एक स्ट्रेट लाइन आ गई, क्यों आई देखो थोड़ी देर के लिए, मानो देखो ये रिजल्ट क्या है, एफ एक्स को वाई कहते हैं ना, वाई का मान क्या है माइनस वन। अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि वाई का मान माइनस वन है और एक है वाई का मान वन, दोनों को हमें यहाँ पर ग्राफ में बनाना है, तो अगर ग्राफ में बनाओगे तो ये वाई इक्वल्स टू वन वाली लाइन है और ये वाई इक्वल्स टू माइनस वन वाली लाइन है, तो बताओ इसमें उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ है क्या कोई, या वर्धमान और आसमान है क्या, नहीं है, ये तो एक फिक्स जो है हाइट पर चलता जाएगा, न तो ये वर्धमान है और नहीं आसमान है। ऐसे फलन का डेरिवेटिव क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, न तो इनको वर्धमान कहा जाता है नहीं आसमान कहा जाता है। अपने क्या रिजल्ट आ रहा है, टू, तो अगर ये एफ डी एस एक्स का रिजल्ट टू आ रहा है तो वर्धमान के लिए हमें क्या चाहिए, वर्धमान में एफ डी एस एक्स क्या होता है हमारे ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा जीरो लेस देन एक्स लेस देन वन आ जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 18 वाले क्वेश्चन में, और मुझे बताना कि ये फलन जो है कब वर्धमान होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं आप लोगों को दे ही रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट इसका फर्स्ट जो मेथड है ना वो मैं इस तरीके से बता रहा हूँ। फर्स्ट मेथड में मैं क्या करने वाला हूँ, एफ एक्स को क्या कहते हैं वाई, तो वाई इक्वल्स टू अंडर रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ना, और अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं ना तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू नाइन। क्या ये कोई जाना पहचाना वक्र है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू नाइन, ये एक वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र जीरो जीरो है, जिसकी त्रिज्या तीन है, क्लियर। तो यहाँ पर
अगर वो डायग्राम आप लोग बनाते हो तो कुछ इस तरीके का बनेगा, जिसमें केंद्र तो इसका 0 0 पर है और त्रिज्या इसकी क्या है 3 है, तो ये तो केंद्र हो गया 0, और अगर ये त्रिज्या 3 है तो बताओ ये बिंदु क्या हो गया 3 0 हो गया, और ये बिंदु क्या हो गया -k 3 0 हो गया। क्लियर? अगर हम इस फंक्शन की बात करें तो बताओ ये फलन जो है कब वर्धमान है, तो ये देखो ना -3 से लेकर 0 तक ये फलन क्या है वर्धमान है। क्लियर? तो यही आंसर आने वाला है -3 से लेकर 0 तक का। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम प्रॉपर मेथड से भी अगर निकालना चाहें तो क्या होगा, देखो वर्धमान कब है, ये वर्धमान होगा यदि -3 x 0 हो। अब इसका जो सेकेंड मेथड है उसमें हम क्या करेंगे, एफ डेस एक्स निकालेंगे। अगर हम एफ डेस एक्स निकालते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स अपॉन में अंडर रूट में 9 - x2। ये कैसे आया, तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ऊपर भी 2x आएगा और नीचे 2 अंडर रूट का क्या होता है 2 अंडर रूट, तो इसका 2 और इसका 2 कैंसिल हो जाएगा। अब मैं चरम बिंदु निकाल लेता हूँ। अच्छा इसमें फैक्टर कर लो, यहाँ पर अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो एफ डेस एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस में एक्स अपॉन में रूट ऑफ 3 - x और 3 + x हो जाएगा। क्लियर? अब अगर मुझे ये डिसाइड करना है कि फलन कब वर्धमान है और कब ह्रासमान है, तो मुझे यहाँ पर चरम बिंदु अगर निकालने हैं तो चरम बिंदु तो एफ डेस एक्स बराबर 0 से निकलते हैं, और एफ डेस एक्स बराबर 0 से इसका आंसर आएगा ओनली एक बिंदु एक्स बराबर 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सावधानी हमें रखनी है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। अगर अपॉन में भी एक्स है, एक्स टाइप का कोई भी है ना, तो उन सब से एक्स की वैल्यू निकालो। तो मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन बना रहा हूँ और इस नंबर लाइन पर वो सभी पॉइंट लिखूंगा जो ऊपर से भी मिलेंगे और नीचे से भी मिलेंगे। तो अंश से तो एक्स का मान आ गया 0, और हर से एक तो आ गया 3, और एक आ जाएगा हमारे माइनस का 3। क्लियर? तो संख्या रेखा 4 भागों में बट गई। मुझे वर्धमान के लिए देखना है तो यहाँ पर चारों सेगमेंट में देखेंगे कहाँ पॉजिटिव है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले 3 से बड़े मान रखता हूँ समीकरण 1 में। अगर 3 से बड़े मान, जैसे 4 रख दिया, 3 - 4 क्या आएगा -1, 3 + 4 क्या आएगा 7, -1 को जब 7 से मल्टीप्लाई कराओगे तो अंडर रूट में आ जाएगा -7। क्या अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट कर लोगे, क्या नहीं कर सकते, यानी इस एरिया में इसका ग्राफ है ही नहीं वास्तव में, और नहीं है देखो आगे का है ही नहीं। क्लियर? अगर मैं बात करता हूँ 0 से 3 के बीच में, तो 0 से 3 के बीच में कोई भी नंबर सोचो, तो 1, अगर मैं 1 यहाँ पर पुट करता हूँ तो ऊपर तो आ जाएगा -1 और नीचे आ जाएगा अंडर रूट में पॉजिटिव। देखो ना, 3 - 1 पॉजिटिव और 3 + 1 भी पॉजिटिव, तो टोटल साइन क्या आ जाएगा इसमें, नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर? अगर मैं इस एरिया की बात करूँ तो -1 पुट कर दो, तो -1 पुट करोगे तो -1 तो हो जाएगा प्लस, और 3 + 1 हो जाएगा, 3 + 1 पॉजिटिव और 3 - 1 भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इस एरिया की अगर मैं बात करूँ तो -4 रख दो, तो 3 - -4 तो हो जाएगा प्लस का 7, लेकिन 3 - 4 - 1 होगा, तो ये +7 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट में माइनस का चिन्ह आ जाएगा, जो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बताओ कहाँ पर ह्रासमान है, 0 से 3 में ह्रासमान है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स जो है ह्रासमान होगा, एफ एक्स ह्रासमान होगा यदि एफ डेस एक्स क्या हो हमारे <0। क्लियर? तो एफ डेस एक्स <0 की कंडीशन कहाँ पर आ रही है हमारे, किधर गया फंक्शन, हाँ ये एक्स बिलोंग्स टू 0 से 3 में। क्लियर? तो ये आंसर हो जाएगा हमारे 0 से 3 वाला, बी हमारा राइट आंसर है। गलत कर दिया मैंने, देखो वर्धमान के लिए ना, तो वर्धमान के लिए तो मैंने ह्रासमान के लिए लिख दिया, फलन हमें वर्धमान पूछ रहा था, तो वर्धमान के लिए आंसर होगा हमारे पॉजिटिव जहाँ पर आया, तो पॉजिटिव कहाँ पर आएगा हमारे -3 से लेकर 0 तक। क्लियर? तो फिर भी आंसर नहीं है इसका, सही आंसर क्या है, सी वाला आंसर, -3 - x - 0 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो 19 वाला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि ये फलन अगर ह्रासमान है तो एक का मान क्या होगा, अगर ये फलन ह्रासमान है तो अगर ह्रासमान है तो एफ डेस एक्स क्या होगा, -0 होगा। तो यहाँ पर एफ डेस एक्स -0 को हम सोल्व करेंगे, एफ डेस एक्स ये आ जाएगा हमारे 3a + 2x² और माइनस में क्या आ जाएगा, देखो 6ax और प्लस में 9a, ये आ गया हमारे 9a। ये रिजल्ट क्या होना चाहिए हमारे, -0 होना चाहिए। क्लियर? अच्छा देखो यहाँ से
थ्री तो हम कॉमन लेकर जीरो की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, तो यहां पर आ जाएगा ए प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस में टू ए एक्स और प्लस में थ्री ए लेस देन क्या आ जाएगा हमारे जीरो हो जाएगा। लेस देन जीरो क्यों ले रहा हूं, क्योंकि अगर फलन हाश मान है तो उसका डेरिवेटिव एफ डेस एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो होगा ना। अब आगे की कंडीशन की मैं बात करता हूं, देखो एक कंडीशन तो हमने पहले भी ली थी और एक कंडीशन मैं आप लोगों को और लिखाने वाला हूं, और वो कंडीशन दोनों ही आप लोग लिख लेना कि अगर कोई द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात समीकरण है, अगर किसी द्विघात समीकरण के बारे में हमें ये कहा जाए कि इसका रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव है या फिर ये कहा जाए कि इसका रिजल्ट ऑलवेज नेगेटिव है, तो क्या कंडीशन होती है, तो ये वाली कंडीशन तो मैंने बताई थी आपको। इसमें तो क्या होता है, ए ग्रेटर देन जीरो होता है और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होगा हमारे लेस देन इक्वल जीरो होगा, क्लियर। और इसमें क्या होता है, देखो इसमें जब आसमान होता है ए बी लेस देन जीरो होता है और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी भी क्या होता है हमारे लेस देन इक्वल जीरो होता है, क्लियर। तो ये कंडीशन आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। तो अपने पास क्या आ रहा है, ये द्विघात समीकरण है और ये द्विघात समीकरण क्या है, लेस देन जीरो है, तो लेस देन जीरो है तो फिर ए बी क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट भी लेस देन होगा और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी विभक्ति कर भी क्या होगा, लेस देन इक्वल जीरो होगा, क्लियर। तो यहां पर स्टूडेंट हम लिखेंगे सिंस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर लेस देन जीरो होती है तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, ए लेस देन जीरो एंड बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन इक्वल क्या होती है, जीरो, क्लियर। तो मैं यहां पर ए लेस देन इक्वल जीरो की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा हमारे ए प्लस टू इज लेस देन जीरो, क्लियर। इट मीन्स ए लेस देन क्या आ जाएगा, माइनस का टू, और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर हम निकालेंगे ना तो ये आ जाएगा हमारे फोर ए स्क्वायर और माइनस में फोर ए प्लस टू इंटू सी, ये क्या आ जाएगा हमारे लेस देन जीरो, क्लियर। फोर तो कॉमन आकर जीरो की तरफ चला जाएगा, रिमेनिंग क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर माइनस में सिक्स ए लेस देन इक्वल जीरो, सॉरी, क्लियर। अब यहां पर देखो माइनस का टू ए स्क्वायर और माइनस का सिक्स ए आया हमारे, माइनस का टू ए स्क्वायर और माइनस का सिक्स ए लेस देन इक्वल क्या आ गया, जीरो आ गया। अब एक बात बताओ, माइनस टू कॉमन आ रहा है, माइनस का टू ए कॉमन आ रहा है, अगर मैं माइनस का टू ए कॉमन लेता हूं तो ये बचेगा क्या, ए प्लस थ्री लेस देन इक्वल जीरो। अब टू केवल अगर टू को राइट साइड में भेज देना, जैसे यहां पर फोर कॉमन लेकर हमने जीरो की तरफ भेज दिया तब तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर माइनस फोर को ऐसे समीका के लेफ्ट राइट में अगर हमें सेट करना होता है तो उस ऐसे समीका का चिन्ह बदल जाता है। तो यहां पर क्या रहा, देखो माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह इधर जाएगा, टू तो जाएगा उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस का चिन्ह भी जाएगा ना, तो ये लेस देन इक्वल जीरो जो है किसमें चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल जीरो। तो यहां पर कंडीशन जो है इस प्रकार आ जाएगी, ए ए प्लस थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, क्लियर। अब यहां पर स्टूडेंट ध्यान से देखना, ये जो कंडीशन है उन सबको मैं यहां पर लिखने वाला हूं। सबसे पहले इस समीकरण की अगर मैं बात करूं तो यहां से दो बिंदु मिलेंगे, मैं माइनस के तीन और जीरो, ये दोनों बिंदु मिल रहे हैं। इसका कौन सा सॉल्यूशन चाहिए मुझे, पॉजिटिव वाला सॉल्यूशन चाहिए, तो देखते हैं कि प्लस वाला सॉल्यूशन कहां पर मिल रहा है। तो अगर मैं यहां पर जीरो से बड़ी कोई भी वैल्यू रखता हूं, जैसे वन, तो वन और वन प्लस थ्री फोर हो गया ना, तो वन इंटू फोर क्या आएगा, डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। इस एरिया में क्या आ रहा है, हमारे पॉजिटिव साइन आ रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं इस एरिया में, तो इसमें माइनस थ्री से जीरो के बीच में माइनस वन होता है ना, तो माइनस वन अगर रखते हैं तो ये भी माइनस वन और ये प्लस टू हो जाएगा, तो माइनस की संख्या जब प्लस की संख्या से गुणा होती है तो यहां पर क्या आएगा, माइनस का आएगा, क्लियर। तो यहां पर माइनस साइन आ जाएगा हमारे। और अगर मैं बात करूं इस एरिया में, तो इस एरिया की कोई भी संख्या रख दो तो माइनस फोर और माइनस वन हो जाएगा ये, तो दोनों माइनस की संख्या मल्टीप्लाई होगी तो यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा, क्लियर। तो ये तो इस असमीका का सॉल्यूशन हुआ, हमें तो चाहिए कि ये एक असमीका, ये भी तो है जिसमें ए का मान क्या हो, माइनस दो से छोटा होना चाहिए, साथ ही साथ ये इक्वेशन भी फॉलो होनी चाहिए। अब यहां पर ए इक्वल्स टू ए लेस देन माइनस टू को भी अगर मैं नोट करता हूं तो माइनस टू आपको मिलेगा कुछ इस जगह, ये माइनस का टू, क्लियर। इस माइनस के चिन्ह को मैं थोड़ा सा पीछे लिख देता हूं, ये माइनस का चिन्ह, क्लियर। अब यहां पर देखो माइनस टू, ए का मान जो है माइनस दो से छोटा होना चाहिए, ए का मान माइनस दो से छोटा किधर होगा, ये इधर होगा, क्लियर। तो स्टूडेंट फाइनली हमने सब दोनों असमीकाओं को मिक्स कर दिया है, जिसमें ये जो रेड वाली लाइन है ये इस असमीका का सोल्यूशन है और जो अपने ब्लू वाली जो रेंज है वो फर्स्ट वाली सेकेंड वाली असमीका का सोल्यूशन। तो हमें कौन सा सोल्यूशन चाहिए जो कॉमन होगा, तो बताओ ये वाला जो सोल्यूशन कौन कौन सा था, एक तो ये था और एक ये था, इसका जो सोल्यूशन,
लेकिन जब इसको भी साथ में लिया तो ये वाला तो कॉमन में आया नहीं, तो फिर कॉमन में क्या है? तो देखो ये वाला पार्ट कॉमन में, क्योंकि इधर क्या, ये पूरा सॉल्यूशन इसमें भी शामिल था और जब इसके साथ लिया तो यहाँ से शुरू होता है, दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, माइनस अनंत से लेकर माइनस के तीन तक, क्लियर। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारे हास मान होगा, तो एक का मान क्या हो जाएगा हमारे, तो एक का मान कॉमन वैल्यू जो है वो आ जाएगी माइनस इनफाइनाइट से लेकर लेस देन इक्वल माइनस के थ्री, क्लियर। ये इसका राइट आंसर है। इक्वल को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होना कि इक्वल क्यों लगा दिया, आपको कॉन्ट्राडिक्शन के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा कि ये इक्वल का चिन्ह कैसे आया, तो क्योंकि यहां पर जब हम चेक कर रहे थे तो इस असमिका में तो तीन इक्वल के लिए शामिल है ना भाई, जब यहाँ पर इक्वल के लिए सोल्व कर रहे हैं तो इसमें तो ये शामिल था और इसमें भी जीरो शामिल था, अब यहाँ पर माइनस टू से जब छोटा ले रहे हैं तो इस वाली रेंज में और इस वाली रेंज में अगर हम देखें तो ये माइनस थ्री शामिल होगा, इसलिए यहाँ पर क्या आया, इक्वल आया, क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं 20 वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ, 20 वाले क्वेश्चन में ये एक वर्धमान फलन दे रहा, सॉरी ये पूछ रहा है कि बताओ ये फलन कहाँ पर वर्धमान होगा, तो मैं यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ। तो देखो अगर मैं एफ डेस एक्स निकालता हूँ तो क्या रिजल्ट आएगा, नीचे तो आ जाएगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर, लॉग एक्स का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर लॉग एक्स को छोड़ता हूँ, एक्स का क्या हो जाएगा हमारे, वन हो जाएगा, और अगर मैं एक्स को छोड़ता हूँ तो लॉग एक्स का क्या हो जाएगा हमारे, वन अपॉन एक्स हो जाएगा, क्लियर। तो फाइनली अगर हम देखते हैं तो एफ डेस एक्स की वैल्यू जो है लॉग एक्स माइनस वन और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे, लॉग एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या निकाल लेते हैं, चरम बिंदु, चरम बिंदु। अच्छा ऐसे भी डिसाइड कर सकते हो, आपने एफ डेस एक्स निकाल लिया ना, इस एफ डेस एक्स में ये रख के देख लो कि कहां पर वर्धमान आता है, क्लियर। अगर मैं चरम बिंदु निकालना चाहता हूं तो एफ डेस एक्स बराबर जीरो लेंगे तो क्या आएगा, देखो लॉग एक्स माइनस वन अपॉन में लॉग एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो फाइनली यहां से आ जाएगा हमारे लॉग एक्स इक्वल्स टू वन, क्लियर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे, ई आ जाएगी। कैसे आई ई की वैल्यू, जब भी आप लोगों के पास ऐसा रिजल्ट लिखा हो लॉग ई एक्स इक्वल्स टू एन, तो एक्स की वैल्यू हो जाती है हमारे ई की पावर में एन, क्लियर। लॉग एंटी लॉग में जब चेंज होता है तो ये वाली जो संख्या ना, इसका जो बेस होता है उसके पावर में लिखी जाती है, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे e की पावर में n। तो ये आ गया हमारे चरम बिंदु। अब इस चरम बिंदु को मैं बना लेता हूँ संख्या रेखा पर, जहां पर मैं क्या लिखने वाला हूँ, e लिखने वाला हूँ। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन फर्स्ट है और इससे मुझे आंसर देना है, ये वाली जो है वो इक्वेशन फर्स्ट है और यहां से मुझे आंसर देना है संख्या रेखा के। अब यहां पर अगर मैं आपको कहूं कि इस एरिया में से हमें कोई भी नंबर लेना है तो आप लोग ये कहोगे कि 10 ले लो, 20 ले लो, लेकिन एक बात बताओ, लॉग 10 की वैल्यू आपको याद है क्या, लॉग 10 की वैल्यू हमें याद ही नहीं। तो कुछ ऐसे रिजल्ट रखो ना जिसकी वैल्यू आपको याद हो, तो क्योंकि मैं आप लोगों को नॉर्मली केवल लॉग 0, लॉग 1, लॉग ई, इनकी वैल्यू याद करने के लिए कहता हूँ। लॉग 0 की वैल्यू होती है माइनस इन्फिनिटी, लॉग 1 की वैल्यू होती है 0 और लॉग 0 और लॉग ई की वैल्यू होती है 1, क्लियर। अब यहां पर समस्या खड़ी हो गई कि फिर लें तो क्या लें, तो एक बात बताओ e की वैल्यू क्या होती है। अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि ये 2 है, क्लियर, और e की वैल्यू कितनी होती है, 2.7 होती है, e की अप्रोक्स जो वैल्यू है ना वो 2.7 मान सकते हो। अब यहां पर अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि इसमें से कोई नंबर लेना है तो ई स्क्वायर जो है ना, ई स्क्वायर लिया जा सकता है क्या, देखिए ई स्क्वायर किधर होगा, अच्छा 2 ये लिखा हुआ है तो 2 का स्क्वायर किधर होगा, 2 का स्क्वायर ऑब्वियसली इधर होगा, बड़ा नंबर तो इधर होगा ना, क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर मैं इस एरिया में से तो जानबूझ के क्या लूंगा, ई स्क्वायर, और इस एरिया में से क्या लूंगा मैं, ई की पावर में माइनस 2 या ई की पावर में माइनस 1, अपनी इच्छा हो जो ले लो। क्यों, क्योंकि यहां पर अगर इस एरिया की कोई भी संख्या लेनी है ना तो ये ले लो ना आप, जिसके रिजल्ट आप निकाल सकते हो, 2 की पावर माइनस 1, 1 बाई 2 इधर ही तो होगा, तो मैं इधर तो ले लेता हूँ ई की पावर में माइनस 2 या ई की पावर में माइनस 1, इन नंबर पर मैं चेक करने वाला हूँ। अगली बात समझ में, तो अब मैं रख देता हूँ ई स्क्वायर, मैं क्या रखने वाला हूँ, ई स्क्वायर। इस फलन में एफ डेस एक्स जो समीकरण 1 है इसमें मैं ई स्क्वायर रख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे लॉग ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में लॉग ई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा लॉग में क्या होता है, पावर आगे आ जाती है 2 लॉग ई, ऐसे ही यहाँ पर सॉरी 2 लॉग ई माइनस 1 और नीचे भी आ जाएगा 2 लॉग ई इसका होल स्क्वायर। तो लॉग ई की वैल्यू क्या होती है 1, तो 2 माइनस 1 अपॉन में 4 आ जाएगा। बताओ पॉजिटिव रिजल्ट आया कि नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया,
तो यहाँ पर पॉजिटिव हम लगा देंगे, क्लियर। अब यहाँ पर e की पावर माइनस वन लिया। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि सर जीरो भी रख सकते हैं क्या, तो जीरो में थोड़ी सी समस्या आएगी भाई। e का मान अगर 2.7 है तो 2.7 से छोटा है जीरो में से, और जीरो को हम प्रायोरिटी में भी रखते हैं, लेकिन एक दिक्कत आ जाएगी कि लोग जीरो का मान माइनस अनंत हो जाएगा, तो अनंत जो आप लोगों को डिसाइड करने ही नहीं देगा। तो फिर यहाँ पर e की पावर माइनस वन मैंने डिसाइड किया, वन अपॉन e से छोटा ही होगा। तो यहाँ पर e की पावर माइनस वन अगर मैं रखता हूँ तो क्या रिजल्ट आएगा, देखो log e की पावर माइनस वन और माइनस वन अपॉन में log e की पावर माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये माइनस वन पावर तो आगे आ जाएगी, तो माइनस का log e माइनस वन अपॉन में माइनस log e इसका होल स्क्वायर। तो माइनस वन अपॉन में वन, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, तो इस एरिया में अपने आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मुझे क्या चाहिए था कि ये फलन किस अंतराल में वर्धमान है, तो बताओ e से लेकर अनंत में ये वर्धमान, थर्ड वाला ऑप्शन हमारे राइट हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अतः वर्धमान के लिए क्या होता है, एफ डेस एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, और ये कंडीशन आ रही है हमारे e टू इनफाइनाइट में जो आपके सामने है, क्लियर। अब हम लेते हैं इसका 23rd वाला क्वेश्चन। माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब लेस देन जीरो, यहां से क्या आ जाएगा, टू माइनस एक्स इज लेस देन जीरो, तो टू इज लेस देन एक्स, यानी एक्स ग्रेटर देन क्या गया, यहां से टू आ गया, तो एक्स ग्रेटर देन टू का मीन है दो से लेकर इंफिनिटी तक। और अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं सेकंड वाले की, तो x माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब लेस देन जीरो को जब सोल्व करोगे तो x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा हमारे, सॉरी x लेस देन आ जाएगा हमारे टू, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारे माइनस अनंत से लेकर दो तक, तो माइनस इन्फिनिटी से टू और टू से इन्फिनिटी, ये हमारे आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से, हमने दोनों f डेस x निकाले और हमने चरम बिंदु निकाल लिए, क्लियर। अब यहाँ पर देखो मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ 24 वाला, 24 वाला जो क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार का है, इसमें भी हमने मापांक को तोड़ा, इसमें भी हमने मापांक को तोड़ना पड़ेगा। तो मापांक कहां पर टूटेगा, तो मापांक के अंदर क्या लिखा हुआ, x लिखा हुआ ना, तो x को अगर मैं मोड के बराबर रखता हूं, अगर मोड के अंदर जो लिखा हुआ x, अगर मैं इसको जीरो के बराबर रखता हूं तो x का मान क्या आ जाएगा, जीरो। तो जीरो के लेफ्ट में और राइट में पोजिशन टूटेगी, यानी जब x का मान जो है हम नेगेटिव लेते हैं, x लेस देन में क्या लेता हूं, जीरो, तो यह आ जाएगा x अपॉन वन माइनस x, और जब x का मान मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा x अपॉन वन प्लस एक्स, क्लियर। अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा, u अपॉन v से वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वन माइनस एक्स को छोड़ेंगे तो x का हो जाएगा वन, और x को छोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा माइनस वन, तो माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव आएगा वन अपॉन में वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये कब आया, जब x की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो। सेकेंड वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो वो भी सिमिलरली वन अपॉन वन प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये कब है, जब एक्स ग्रेटर देन क्या है, जीरो है। हमें ये बताना कि ये फलन जो है किस प्रकार का है, वर्धमान है कि ह्रासमान है। तो यहां पर देखो एफ डेस एक्स जो रिजल्ट आया ना, एफ डेस एक्स जो रिजल्ट आया है वो तो पूर्ण वर्ग है, और पूर्ण वर्ग में एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो पॉजिटिव ही आएगा हमेशा ही। देखो ना यहाँ पर वन अपॉन वन माइनस एक्स, एक्स का मान कुछ भी रखो हमेशा ही क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब यहाँ पर इस फलन को क्या कह सकते हैं, वर्धमान कह सकते हैं, क्लियर। सिंस एफ डेस के दोनों रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, अतः एफ जो है वो वर्धमान होगा। एफ को हमने क्या बता दिया, वर्धमान बता दिया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला, क्लियर। बीच में मैंने 21वां और 22वां क्वेश्चन छोड़ा है, आप लोगों को इससे समझ में आ जाएगा, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जो मैंने छोड़े ना वो इसमें से समझ में आ जाएंगे 25th वाले में। क्या क्वेश्चन है, देखो जी एक्स एक वर्धमान फलन है, अगर जी एक्स वर्धमान फलन है इसका मतलब जी डी एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, क्लियर। सिंस जी एक्स वर्धमान है, अगर जी एक्स वर्धमान है इसका मतलब जी डी एक्स तो पॉजिटिव होगा, इसके बारे में तो हमने बता दिया, क्लियर। अब मैं एफ एक्स के बारे में बताना है कि एफ एक्स जो है कोट इनवर्स जी एक्स है, तो एफ एक्स जो है किस प्रकार का होगा। देखो यहां पर अगर मैं एफ डेस एक्स लेता हूं
तो ये आ जाएगा हमारे वन अपॉन सॉरी माइनस में, कोट इनवर्स का क्या होगा माइनस में वन अपॉन वन प्लस जी एक्स इसका होल स्क्वायर, और जी एक्स का क्या हो जाएगा हमारे जी डेस एक्स हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पर देखो जी एक्स का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर का रिजल्ट हमेशा ही क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव तो अपॉन में जो रिजल्ट है ना वो तो पूरी तरीके से पॉजिटिव हो गया, और जी डी एस एक्स क्योंकि वर्धमान है, जी एक्स क्योंकि वर्धमान है इसलिए जी डी एस एक्स भी पॉजिटिव हो गया। तो ये जो रिजल्ट है ना केवल इस वाले रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं इस रिजल्ट की बात करूं तो ये वाला रिजल्ट तो टोटली पॉजिटिव हुआ ना, तो पॉजिटिव रिजल्ट को जब माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो गया नेगेटिव हो गया। एफ डेस एक्स का रिजल्ट हमेशा ही क्या आएगा नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा तो उस एफ डेस एफ एक्स को हम क्या कहेंगे हास मान कहेंगे, यानी दिए गए अंतराल में ये फलन किस प्रकार का होगा हास मान का होगा। कैसे, तो यहां पर देखो सिंस जी डेस एक्स पॉजिटिव वन प्लस जी एक्स इसका होल स्क्वायर ये भी पॉजिटिव, सो यहां पर सो एफ डेस एक्स का जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा इसका मतलब एफ एक्स क्या होगा एफ एक्स हास मान होगा। क्लियर। तो ये कंडीशन हमने बता दी स्टूडेंट कि वर्धमान होगा कि हास मान होगा। अब मैं आ जाता हूं 27 वाले में। क्लियर। 27 वाला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एक्स की वैल्यू जब माइनस वन से लेकर वन तक है तो एफ एक्स जो है किस प्रकार का होगा, ऑप्शन ये की है वर्धमान होगा हासमान होगा न वर्धमान न हासमान होगा एक दिष्ट नहीं होगा इस प्रकार के। क्लियर। तो यहां पर स्टूडेंट हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एफ डेस एक्स निकाल लेते हैं। ध्यान से देखना यहां पर एफ डेस एक्स की मैं बात कर रहा हूं, ये आ जाएगा 100 एक्स की पावर 99 और प्लस में कोस एक्स। अगर हम यहां पर ये उम्मीद करते हैं कि चरम बिंदु निकालें तो चरम बिंदु निकलेंगे नहीं आपसे, क्योंकि चरम बिंदु यहां पर ये तो एक्स में है और ये कोस में है तो चरम बिंदु तो नहीं आएंगे, तो आपको निकालना ही नहीं, आपको तो इस रेंज में बताना है कि ये वर्धमान है कि ह्रासमान है या फिर एकदिश नहीं है। तो मैं कैसे निकालने वाला हूं ध्यान से देखना, इस पूरी रेंज की मैं बात कर रहा हूं, इस रेंज में एक बिंदु दे रखा है माइनस वन एक बिंदु दे रखा है वन, अगर हम इस रेंज के बीच बीच में तो पता लगाना है, तो इस रेंज के बीच में पता लगाना है तो स्टूडेंट यहां पर बीच में वैसे चरम बिंदु तो हमने निकाला नहीं लेकिन एक डिवाइडर जरूर है यहां पर जीरो। क्लियर। उस जीरो को भी नोटिस करके चलो तो ठीक रहेगा भाई, इस फलन के बीच में हमें दो तीन मान रखने हैं, एक तो इस एरिया में से रख देंगे और एक इस एरिया में से रख देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि दोनों रिजल्ट एक दोनों चिन्ह एक जैसे हैं या डिफरेंट टाइप के हैं या फिर दोनों प्लस के हैं कि दोनों माइनस के हैं। क्लियर। अब इसके लिए मैं क्या करने वाला हूं देखो, अगर मैं वन की बात करता हूं, अगर मैं जीरो से वन की बात करता हूं तो जीरो से वन में जीरो से वन की अगर मैं बात करता हूं तो हमें यहां पर चिन्ह का चेक करना है, तो जिनका अगर आप लोगों को पता लगाना है तो आप लोग इसमें से कोई वैल्यू रख दो। क्लियर। तो वैसे इसमें से कोई भी वैल्यू रखी जा सकती है लेकिन मैं एंडिंग वाली वैल्यू रख रहा हूं क्योंकि यहां पर मान निकालना थोड़ा सा आसान रहेगा। क्लियर। तो अगर मैं मान रखता हूं ना यहां पर तो क्या रिजल्ट आएगा देखो, अगर मैं वन पुट कर देता हूं थोड़ी देर के लिए मानो तो ये क्या आएगा 100 और वन की पावर 99 और कोस वन। अच्छा कोस वन का तो रिजल्ट नहीं निकाल सकते लेकिन हमें पता है कि कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है वन होती है, कोस 30 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है अंडर रूट 3/2 होती है, तो कोस वन की वैल्यू जो है ना वो अप्रोक्स वन ही मान लो तो क्या दिक्कत है, कोस वन की वैल्यू कोस जीरो का मान एक होता है कोस वन का भी लगभग एक ही होगा। क्लियर। तो बताओ ये तो हो गया 100 और ये जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा हमारे 100 प्लस में वन, तो बताओ इसमें एफ डेस एक्स पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, पॉजिटिव है। क्लियर। तो यहां पर तो आ जाएगा हमारे पॉजिटिव। अब मैं इस सेगमेंट में से भी कोई नंबर ले लेता हूं तो इस सेगमेंट में से ये माइनस वन ही ले लो ठीक रहेगा, तो 100 इसकी पावर में माइनस वन की पावर 99 और कोस माइनस वन, कोस माइनस वन कोस पर माइनस का तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं तो कोस जीरो ही मान लो, कोस जीरो का मान कितना हो गया इसका तो हो गया एक लगभग और माइनस वन की पावर 99 ये कितना हो जाएगा माइनस 100, बताओ दोनों का टोटल कितना आएगा नेगेटिव आएगा। तो इस अंतराल में दो दो तरीके का बिहेव हो गया तो फलन एकदिष्ट है क्या, तो इसको हम क्या कहेंगे एकदिष्ट नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस वन से जीरो में एफ डेस एक्स क्या होगा हमारे नेगेटिव है, इसका मतलब एकदिष्ट नहीं है, एफ जो है वो एकदिष्ट नहीं है। क्लियर। ये क्वेश्चन हो गया हमारे 27 वाला। अब मैं आगे बढ़ता हूं 28 वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो 28 वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक फंक्शन दे रखा है और मुझे बताना कि x बिलोंग्स टू 0 से पाई में ये फलन किस प्रकार का होगा, ध्यान से देखना 0 से पाई में ये का ये सवाल है, जैसे यहां पर चेक किया ना वैसे यहां पर चेक करना। तो पहले मैं f डेस x निकाल लेता हूं,
अगर हम एफ डेस एक्स निकालते हैं तो यह आ जाएगा एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स और प्लस में सॉरी माइनस में टू कोस एक्स साइन एक्स हो जाएगा। क्लियर, ये रिजल्ट हमने निकाल लिया। अच्छा देखो ये दोनों तो कट जाएंगे और इसमें से कॉमन आ जाएगा हमारे कोस एक्स। कोस एक्स अब अगर हम कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या, एक्स माइनस में टू साइन एक्स। अब ये एफ डेस एक्स हमने निकाल लिया और बिंदु यहाँ पर नहीं निकाल सकते तो बिंदु आप लोगों को निकालना ही नहीं है। इसने कह दिया कि जीरो से पाई में चेक करो आप, तो आप लोग एक नंबर लाइन बना लो ये जीरो से पाई तक का। क्लियर, इसमें मुझे चेक करना है। अब जीरो से पाई के बीच में कोई बिंदु तो वैसे तो इसने तो मेंशन नहीं किया है, लेकिन एक बात बताओ जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ही चेक कर रहे हो तो जीरो से पाई के बीच में ऐसा कोई स्पेशल वैल्यू है क्या, तो क्वाड्रेंट पाई बाई टू ठीक रहेगा ना। तो मैं यहाँ पर एक डिवाइडर ले लेता हूँ पाई बाई टू, ताकि ये सेगमेंट जो है बीचों बीच दो भागों में बढ़ जाए। जैसे यहाँ पर किया ना माइनस वन से वन के बीच में बीचों बीच दो भागों में बांटने के लिए मैंने क्या ले लिया, जीरो ले लिया। ऐसे यहाँ पर जीरो से पाई को बांटने के लिए हमने अलग अलग करने के लिए इसको बीचों बीच हमने एक बिंदु लिख दिया पाई बाई टू। क्लियर, अब मैं यहाँ पर इस एरिया में और इस एरिया में चिन्ह का निर्धारण करने वाला हूँ। अब ध्यान से देखना है, ये रिजल्ट आपके सामने है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जीरो से पाई बाई टू में, जीरो से पाई बाई टू में कोई भी वैल्यू रख दो जो आपको ठीक लगे। तो अगर मान लो मैं जीरो ही रख देता हूँ, अगर मैं क्या रख देता हूँ जीरो, तो ये क्या आ जाएगा जीरो में, तो फिर ये पूरा जीरो हो जाएगा तो डिसाइड नहीं हो पाएगा। हम यहाँ पर पाई बाई फोर रख देते हैं। ध्यान से देखना, पाई बाई फोर पर क्या होगा, देखो पाई बाई फोर पर अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो कोस पाई बाई फोर और पाई बाई फोर माइनस टू साइन पाई बाई फोर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर पाई बाई फोर रखा तो पाई बाई फोर में ये रिजल्ट आ रहा। अच्छा पाई बाई फोर का मान कितना हो गया, वन अपॉन में अंडर रूट टू, यानी पॉजिटिव हो गया, मुझे चिन्ह का ही तो निर्धारण करना है। अच्छा पाई बाई टू का मान कितना होगा, तो 3.14 और बटे हुए में दो और माइनस में टू इंटू वन अपॉन में अंडर रूट टू। अब अगर कोई सोच रहा है कि यहाँ पर पाई का मान तो 180 होता है, यहाँ पर 3.14, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर पाई लिखा हो तो 180 समझो, और अगर मान लो वो फ्री है तो उसका मतलब क्या समझो, 3.14। अगर कहीं भी सोल्व करना हो तो इस तरीके से एनालिसिस आप लोग कर सकते हो, क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये रिजल्ट किस प्रकार का है, ये तो पॉजिटिव है, केवल इसकी बात करते हैं। तो इसका जो रिजल्ट है वो तो हो गया हमारे 1.7 के अप्रोक्स, 1.6 के अप्रोक्स। और सेकंड वाले को अगर सोल्व करना है ना तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, अंडर रूट टू से ऊपर नीचे। तो इससे अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कट जाएगा, 1.6 माइनस 1.4 आ रहा है। बताओ पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। इस जगह क्या आया, ये पॉजिटिव आया। क्लियर, अब मैं बात करता हूँ सेकेंड क्वाड्रेंट की, यानी पाई बाई टू से लेकर पाई के बीच में। तो पाई बाई टू से लेकर 3π/4 ठीक रहेगा ना, तो जीरो से पाई बाई टू में पाई बाई फोर पर एफ डेस एक्स क्या आया हमारे, पॉजिटिव आया। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पाई बाई टू से लेकर पाई में, इसमें भी हम कोई बिंदु ले लेते हैं तो 3π/4 इस पर चेक कर लेते हैं, इस पर एफ डेस एक्स क्या आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं एफ डेस एक्स क्या आएगा, तो 3π/4 मैंने लिया तो इसमें रख देता हूँ, ये आ जाएगा कोस 3π/4 और 3π/4 माइनस 2 इंटू साइन 3π/4। क्लियर, तो कोस 3π/4 की वैल्यू होगी हमारे नेगेटिव, बस इतना ही तो देखना है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। अच्छा ये 3π/4 है तो 3π/4 गलत कर दिया कि मैंने, देखो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे से। मिस्टेक क्या हुई, मैं पाई बाई फोर रख रहा था तो यहाँ पर ये पाई बाई फोर है और पाई बाई फोर है तो फिर मामला ही पलट जाएगा, ये 0.8 हो गया। तो 0.8 होगा ना तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, इस जगह क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये मिस्टेक हो गई मेरे से, इसको सुधार लेना। क्लियर, अब मैं 3π/4 पर चेक कर रहा हूँ, अगर 3π/4 पर मैं चेक करता हूँ तो कोस 3π/4 की वैल्यू तो हो गई नेगेटिव और पाई बाई फोर को मैंने सोल्व किया ही है, कितना आ रहा है पाई बाई फोर का रिजल्ट हमारे, पाई बाई फोर का रिजल्ट आ रहा है 0.8। 0.8 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, 2.4 अप्रोक्स और माइनस में 2 इंटू इसका रिजल्ट आ जाएगा 1/√2। तो इसको तो हमने सोल्व कर रखा है उतना का उतना ही, इसका रिजल्ट कितना है 1.4। तो देखो ये इस बार इस जगह क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये गलती भी सुधार लेना और कैसे मैं सोल्व कर रहा हूँ ये भी आप लोग देख लो। तो इसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो बताओ इस एक ही अंतराल में दो दो तरीके के बीए हो गए, तो अगर मान लो दो दो तरीके के बीए हो गए तो इसका मतलब फलन क्या होगा, न तो वर्धमान होगा और न ही आसमान होगा, और एकदिष्ट नहीं होना आपके इसमें दे रखा ऑप्शन में। क्लियर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एकदिष्ट नहीं, एकदिष्ट नहीं है। क्लियर, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे 28 वाला। अब मैं बढ़ता हूँ आगे।
28 के बाद में मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ 31, बीच में जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं वो बिल्कुल सिंपल टाइप के हैं इसलिए छोड़े हैं, या फिर बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए छोड़े हैं। बाकी मैं कोई भी क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए नहीं छोड़ रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है इसमें ये कह रहा है कि फलन वर्धमान है, तो ए और बी में एक रिलेशन दे रखा है सारे ऑप्शन में। अच्छा, फलन वर्धमान है, अगर फलन वर्धमान है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा ना। अच्छा देखो, यहाँ पर कोस मोड एक्स दे रखा है, जब भी हमारे सामने मोड आता है हम उस मोड को साधारण फलन में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, मोड एक्स के अंदर के, मोड के अंदर क्या लिखा हुआ एक्स, तो एक्स को जीरो के बराबर रखेंगे तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, जीरो। तो जीरो, जब एक्स का मान जब जीरो से बड़ा होगा और जब एक्स का मान जीरो से छोटा होगा तो फलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जब एक्स का मान धनात्मक है तब तो कोस एक्स हो गया, लेकिन जब एक्स का मान ऋणात्मक है तो कोस माइनस एक्स हो जाएगा और कोस पर प्लस माइनस का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। यानी ये मोड एक्स जो दे रखा है वो हमें कोई परेशान नहीं करेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो एफ एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा कोस एक्स और माइनस में टू ए एक्स और प्लस में बी आ जाएगा। तो मैंने मोड से तो इसको हटा दिया, अब मैं यहाँ पर एफ डेस एक्स निकाल लेता हूँ। क्या आएगा, एफ डेस एक्स माइनस साइन एक्स और माइनस का टू ए, क्लियर। अगर ये फलन वर्धमान है, सिंस एफ डेस एक्स वर्धमान है, ये वाला क्वेश्चन तो हमने पहले कर रखा है, तो एफ डेस एक्स क्या होगा हमारे, ग्रेटर देन जीरो होगा, इट मीन्स माइनस साइन एक्स और माइनस टू ए ग्रेटर देन जीरो, क्लियर। यानी माइनस का साइन एक्स इज ग्रेटर देन टू ए हो गया, यानी ए जो है वो लेस देन हो गया माइनस वन बाई टू साइन एक्स के, क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर देखो, फलन जब वर्धमान होता ना तो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू रखी जाती है, और जब फलन ह्रासमान होता है तो साइन की मिनिमम वैल्यू पुट की जाती है। तो यहां पर क्योंकि एफ वर्धमान है, एफ वर्धमान है, अतः साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू वन होती है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन में माइनस वन बाई टू। जो तो यहां पर ए की वैल्यू आ गई माइनस वन बाई टू, जो अपने ऑप्शन में नहीं है। तो स्टूडेंट यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 99% क्वेश्चन में वर्धमान के लिए एफ डेस एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है, लेकिन कभी कभी एफ डेस एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो से भी सोल्व किया जाता है, क्लियर। तो यहां पर स्टूडेंट जो वर्धमान के लिए हम जो काम कर रहे हैं ना, वो एफ डेस एक्स ग्रेटर देन जीरो से नहीं दे रखा ऑप्शन में, वो ग्रेटर देन इक्वल जीरो से दे रखा है, क्लियर। तो ये आप लोगों के जो ऑप्शन है वो ये वाला हो जाएगा, और आप लोगों को कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा कि ये वाला भी ऑप्शन में है और ये वाला भी ऑप्शन में, ऐसा नहीं करेगा, क्लियर। तो इस बात का ध्यान रखें, जो भी नई चीज आती है मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूं। अब यहां पर देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये फलन वर्धमान होगा, मुझे बताना, ये साधारण फलन है, यहां पर y को ही fx कहते हैं, तो मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूं, f dx x 2x into x minus 3, और अगर मैं इसका u into v से करता हूं तो x minus 3 को अगर छोड़ते हैं तो x का 1 हो जाएगा, और अगर मैं x को छोड़ता हूं तो x minus 3 का भी क्या हो जाएगा, 1। तो ये आ जाएगा 2x x minus 3 और 2x minus 3, ये क्या आ गया हमारे, f dx x आ गया। तो यहां से एक नंबर लाइन हम बना लेते हैं जिसमें चरम बिंदु लिख देते हैं, एक तो आ रहा है जीरो, एक आ रहा हमारे थ्री, एक आ रहा हमारे थ्री बाई टू, क्लियर। तो इन सभी के लिए हम चिन्ह का निर्धारण कर लेते हैं, तो देखते हैं कहां पर पॉजिटिव आएगा। तो तीन से बड़ी कोई भी वैल्यू सोचो, तो चार पॉजिटिव, फोर माइनस वन, फोर माइनस थ्री भी पॉजिटिव, और एट माइनस थ्री भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। यानी एक तो ये वाला एरिया हो गया, और अब मैं बात करता हूं थ्री बाई टू, यानी 1.5 से लेकर 3 के बीच में, तो 2 हम पुट कर देते हैं ना, अगर मैं 2 पुट करता हूं तो पॉजिटिव, 2 माइनस 3 नेगेटिव, और 4 माइनस 3 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव ये क्या आ जाएगा हमारे, नेगेटिव आ जाएगा। 0 से 3 बाई 2 के बीच में अगर हम बात करें तो यहां पर देखो 1 पुट कर देते हैं ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव, तो यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव, तो ये आंसर क्या आ जाएगा यहां पर, पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव, तो ये आ जाएगा हमारे पॉजिटिव, क्लियर। जीरो से अगर मैं इधर की बात करता हूँ माइनस वन की, तो माइनस वन अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो नेगेटिव आ जाएगा, ये भी नेगेटिव आ जाएगा और ये भी नेगेटिव आ जाएगा, तो तीन नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्लियर। तो मुझे वर्धमान के लिए बताना है, तो वर्धमान जो है जीरो से थ्री बाई टू, एक तो यहाँ पर है, एक थ्री से लेकर इनफाइनाइट है। अब स्टूडेंट यहाँ पर बात यह है कि यहाँ पर भी वर्धमान है, यहाँ पर भी वर्धमान है, लेकिन ये वाला तो ऑप्शन में नहीं है, क्लियर।
तो ये वाला जो ऑप्शन में है बस वो अपना आंसर है, या तो पूरा का पूरा ही आंसर होता है, और पूरा का पूरा ही आंसर नहीं होता तो उसका कोई एक पार्ट भी दे दिया जाता है। क्लियर? तो अपने 0 से 3/2 में ये फलन जो है वर्धमान है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी वर्धमान है, लेकिन ये वाला आंसर में है ही नहीं, तो जो है वो आंसर में देंगे, तो 0 से 3/2 में ये वर्धमान हो जाएगा। अगली बात समझ में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी हमने किया ही है। अब इसको भी मुझे बताना है कि log x अपॉन x, तो ये x अपॉन log x का हमने किया था, इसी टाइप का ये क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसको भी हम कैसे सोल्व करेंगे। तो u अपॉन v से मैं इसका सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ, f डेस x निकाल लेता हूँ। अगर हम f डेस x निकालते हैं तो ये तो आ जाएगा x स्क्वायर, और अगर मैं x को छोड़ता हूँ तो log x का क्या हो जाएगा 1/x, और log x को छोड़ता हूँ तो x का क्या हो जाएगा हमारे 1 हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन है 1 - log x अपॉन में क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? अब स्टूडेंट यहां पर देखो मुझे क्या निकालना है, चरम बिंदु। अगर हम चरम बिंदु की बात करें तो कौन कौन से बिंदु आएंगे, देखो तो यहां पर आएगा स्टूडेंट एक तो 0, नीचे से तो क्या आएगा 0, और ऊपर से क्या आएगा हमारे ई आएगा। तो इन सभी जगह हमें निकालना है। देखो ना, एफ डेस एक्स को अगर मैं 0 के बराबर रखूंगा तो लॉग एक्स इसमें और इसमें चेंज भी देख लेना, जब इसको मैंने 0 के बराबर रखा तो log x माइनस 1 बराबर 0, तो log x का मान क्या आ गया 1, तो x का मान क्या आ गया e। लेकिन यहां पर तो मैंने इस log x का महत्व ही नहीं रखा अपॉन वाले का, इसके पीछे वजह क्या है कि ये log x का मान जो है कभी 0 नहीं हो सकता है। क्लियर? log x का मान 0 कब हो सकता है, जब इसका रिजल्ट जो है क्या रखे हम -∞, तो -∞ हम रखते नहीं है। तो जिसके बारे में हम श्योर होंगे इसका रिजल्ट 0 नहीं हो सकता उसको तो हम हटा सकते हैं, लेकिन यहां दिक्कत है, यहां पर तो स्टूडेंट अपॉन में जो x है ना इसका मान 0 हो सकता है। क्लियर? तो ये x बराबर 0 भी, और यहां से क्या आ गया e आ गया। तो आई थिंक आप ये बात समझ गए होंगे, कुछ जगह मैं 0 की तरफ भेज देता हूँ तो कुछ जगह नहीं भेजता हूँ, तो इस बात का जो महत्व है स्टूडेंट आप लोगों को हर एक क्वेश्चन में अलग अलग टाइप से समझ में आ गया होगा। क्लियर? जब इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है तो फिर इसको हम हटा सकते हैं, और अगर मान लो आप लोगों को लगता है किसी फाइनाइट वैल्यू पर ये रिजल्ट 0 हो सकता है तो आप इसको 0 की तरफ नहीं भेज सकते हो। तो ये आ गया 0 और e। अब मैं यहाँ पर मान रख रहा हूँ, तो e स्क्वायर रखते हैं, जैसे इस एरिया में मैं क्या रख रहा हूँ e स्क्वायर, इस एरिया की तो मैं वैल्यू ले लेता हूँ e स्क्वायर, इस एरिया की वैल्यू ले लेता हूँ मैं e^-1, और इस एरिया की कोई भी वैल्यू आप नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर मान लो x का नेगेटिव मान रखते हो तो नेगेटिव के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट इस एरिया में तो ये होगा ही नहीं। तो मैं यहाँ पर अब नेगेटिव वैल्यू के लिए लोग परिभाषित नहीं होता है, तो 0 से e और e से आगे मैं चेक कर रहा हूँ। तो अगर मैं e स्क्वायर पर रखता हूँ तो 1 - log e² अपॉन में e स्क्वायर का स्क्वायर, तो 1 - 2 log e और अपॉन में क्या जाएगा e^4, तो 1 - 2 अपॉन में e^4 आ जाएगा, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर? e^-1 की अगर मैं बात करता हूँ तो 1 - log e^-1 और e^-1 का होल स्क्वायर, तो 1 + log e और अपॉन में e^-1, ये 1/e² बन जाएगा, है तो पॉजिटिव है ना, तो ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो फलन वर्धमान कहाँ पर है, 0 से e में, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे बी वाला। देखो अगर मान लो हमने इस ई बिंदु को ही निकाला होता तो फिर गड़बड़ हो जाती ना, इधर तो फलन परिभाषित ही नहीं है। एक बार मैं वापस समझा देता हूँ, एफ डेस एक्स मैंने निकाला ई आ गया। क्लियर? इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को दोनों को एक साथ एनालिसिस करो, इसमें लॉग एक्स माइनस वन अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0 से निकाल रहा हूँ चरम बिंदु, और उसमें निकाल रहा हूँ मैं 1 - log x अपॉन में एक्स स्क्वायर। जब मैंने यहाँ पर चरम बिंदु निकाला तो नीचे वाले का भी ध्यान रखा कि यहाँ से एक्स का मान 0 आ सकता है। एक बात बताओ, यहाँ से भी कोई एक्स का मान 0 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। आ तो सकता है जब यहाँ पर log x का मान क्या हो, इन्फिनिटी हो। अब इन्फिनिटी हो तो स्टूडेंट यहाँ पर इन्फिनिटी तो कोई फाइनाइट वैल्यू होती नहीं, इसलिए ऐसे मानों को हम राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन की, तो इसमें 0 भी हमें मिल गया नीचे से, ऊपर से e मिल गया, और दोनों जगह मैंने चेक किया तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वर्धमान के लिए अंतराल कौन सा हो जाएगा, अतः वर्धमान के लिए अंतराल क्या हो जाएगा हमारे 0 से e। क्लियर? अब स्टूडेंट यहां पर 35 वाला क्वेश्चन और आई थिंक ये 19 वाला क्वेश्चन भी सेम ही होगा। ये कह रहा है कि फलन वर्धमान है
अगर ये फलन वर्धमान है तो k का मान क्या होना चाहिए। क्लियर। तो अगर फलन वर्धमान है तो f डेस x क्या होगा हमारे, ग्रेटर देन जीरो होगा। तो यानी 3x² + 12x + 9 + 2k ग्रेटर देन जीरो होगा। क्लियर। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को कंडीशन लिखाई थी ना, अगर कोई भी फलन वर्धमान होता है तो उसका a पार्ट ग्रेटर देन जीरो होता है और b² - 4ac ऑलवेज लेस देन जीरो होता है। क्लियर। तो यहाँ पर देखो 3 तो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो ही, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस ax² + bx + c अगर ग्रेटर देन जीरो हो देन a ग्रेटर देन जीरो होता है एंड b² - 4ac जो है वो लेस देन इक्वल जीरो होता है। तो a तो ग्रेटर देन जीरो ही, यहाँ से तो कोई कंडीशन मिलेगी नहीं। अब मुझे केवल b² - 4ac चेक करना है, b² - 4ac। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो बी स्क्वायर में कितना आ जाएगा, देखो 144 - 4a और c लेस देन इक्वल क्या आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। अच्छा देखो यहाँ से 12 कॉमन आ रहा है ना, अगर मैं 12 कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा हमारे 12 कॉमन लेने के बाद 12 - 9 - 2k इज लेस देन इक्वल जीरो। तो 12 तो जीरो की तरफ चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा 3 - 2k इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो। तो 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2k, देन 3/2 इज लेस देन इक्वल्स टू k, इट मीन्स k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे 3/2, जो हमारे ए ऑप्शन में दे रखा है। तो स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिए हैं, स्पेस की कोई कमी नहीं है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना स्पेस अवेलेबल है पूरा। क्लियर। और स्पेस बची जाता है अपने। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं प्रयास पूरा कर रहा हूँ आप लोगों को पूरा कंटेंट समझ में आए, जो भी मैं कोई एक्स्ट्रा अगर लिख देता हूँ ना, जैसे दूसरे क्वेश्चन के स्पेस में मैं कोई भी अगर मान लो कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ तो आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट अपने हिसाब से मैनेज करना चाहिए और वो जरूर आप लोगों को लिखना चाहिए। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बढ़ता हूँ आगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं बढ़ता हूँ आगे, जिसमें इस टाइप के मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें यही हमें रिजल्ट देने। अब तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं और बहुत इजीली होने लग जाएंगे। मुझे बताना कि ये फलन जो है वर्धमान होगा कि ह्रासमान होगा कि एग्जिस्ट नहीं होगा, क्या यहाँ पर है रिजल्ट मुझे बताना है। सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ एफ डेस एक्स, तो यू अपॉन वी से लेंगे ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा e^2x + 1 इसका होल स्क्वायर। तो e^ अगर 2x + 1 को अगर मैं छोड़ता हूँ तो ऊपर वाले का क्या आ जाएगा 2e^2x, और अगर हम e^2x - 1 को छोड़ते हैं e^2x - 1 को, तो इसका भी क्या आ जाएगा 2e^2x है। तो यहाँ से अगर हम 2e^2x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा e^2x + 1 - e^2x + 1। क्लियर। और अपॉन में क्या चल रहा है हमारे e^2x + 1 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ये दोनों तो कट जाएंगे और ये आ जाएगा 4e^2x अपॉन में आ जाएगा e^2x + 1 का होल स्क्वायर। अब हम निकालेंगे चरम बिंदु, चरम बिंदु जो f डेस x बराबर जीरो से आएंगे, तो 4e^2x और e^2x + 1 इसका होल स्क्वायर बराबर जीरो। तो ये तो रिजल्ट जीरो के बराबर जाएगा और e^2x बराबर क्या आ जाएगा हमारे जीरो। e^2x कब जीरो के बराबर हो सकता है, जब x का मान क्या हो हमारे माइनस इन्फिनिटी हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई माइनस इन्फिनिटी। अगर हमें पॉइंट नहीं मिल रहा है, अगर हमें पॉइंट नहीं मिल रहा है तो ऐसे बता दो ना ओरली कि ये जो रिजल्ट आपको दिखाई देता है, ये वाला रिजल्ट जो है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, क्योंकि x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, क्योंकि आधार के पॉजिटिव और नेगेटिव होने पर जो रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे। पावर अगर पॉजिटिव चाहे नेगेटिव हो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएंगे, चाहो तो 2 की पावर में कुछ लेकर देख लो, 2 की पावर 1 भी पॉजिटिव है और 2 की पावर -1 भी पॉजिटिव। क्लियर। तो ये ऑलवेज क्या होगा हमारे ग्रेटर देन जीरो का, इट मीन्स यहाँ पर ये फलन जो है वो किस प्रकार का हो गया हमारे वर्धमान फलन। क्लियर। अब मैं बात करता हूँ कि ये फलन जो है कब वर्धमान है, मुझे बताना कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है न वर्धमान है और न ह्रासमान है। तो मैं यहाँ पर इन सबका डेरिवेटिव ले लेता हूँ। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो कोशेक एक्स का तो क्या आ जाएगा -cosec x cot x, इसका क्या आ जाएगा sec² x, इसका आ जाएगा 2x, और मोड का अगर हम लेंगे ना तो जब इसका खुलेगा तो यहाँ पर +-1 आएगा, या तो +-x - 1 आएगा ना,
तो इसका प्लस माइनस वन रिजल्ट आएगा। क्लियर? तो एक बात बताओ, इसका इस अंतराल में वन वाला रिजल्ट भी है, क्योंकि ये जो फलन है वो इस प्रकार टूटेगा, x ग्रेटर देन वन होगा ना, तो x माइनस वन होगा जिसका डेरिवेटिव वन होगा। जब x की वैल्यू लेस देन वन होगी तो ये वन माइनस x होगा, और वन माइनस x होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस वन, ये इसके डेरिवेटिव। तो बताओ इस अंतराल में मुझे बताना है पाई बाई टू को हम क्या मान सकते हैं, अगर x की जगह रखेंगे ना तो पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू, पाई बाई टू का मतलब 3.14 अपॉन में 2, अगर हम इससे डिवाइड करवाते हैं तो ये है 1.7 से 5.1 तक की रेंज। क्लियर? तो ग्रेटर देन 1 यानी एक से बड़े मानों पर तो ये हमेशा ही एक जैसे रिजल्ट दे रहा है ना, वर्धमान ही दे रहा है। मुझे बताना कि ऐसा कौन सा फलन है जो इस रेंज में क्या हो, न तो वर्धमान हो और न ही ह्रासमान हो, यानी दो दो रिजल्ट देता है, ये तो नहीं है, ये वाला तो वर्धमान ही है। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो ये भी इस पॉजिटिव, भाई इस वैल्यू में तो ये पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि 2x इसमें से कोई भी मान रखोगे तो ये भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, ये वर्धमान ही होगा। sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x भी यहाँ पर क्या होगा, अब मैं यहाँ पर इसकी बात करता हूँ, sec स्क्वायर x, तो ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे, तो देखो सेकेंड क्वाड्रेंट ये पाई बाई टू है और ये 3π/2 है, तो sec स्क्वायर यहाँ पर तो होगा नेगेटिव और यहाँ पर भी क्या होगा, नेगेटिव, लेकिन होल स्क्वायर की वजह से ये वापस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब बात करते हैं इसकी, तो cosec x जो है ना, मैं इस क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ cosec x के लिए, cosec x जो है यहाँ पर क्या होगा हमारे, पॉजिटिव होगा, कोट क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर? एक माइनस ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ पर पाई बाई टू से लेकर पाई में ये माइनस cosec x cot x, इसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, माइनस प्लस और माइनस यानी पॉजिटिव होगा। और पाई से लेकर पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू की अगर मैं बात करूं, पाई से लेकर थ्री पाई बाई टू, तो पाई से लेकर थ्री पाई बाई टू में भी अगर हम चिन्ह चेक करते हैं तो पाई से थ्री पाई बाई टू में इसके चिन्ह किस प्रकार के आ जाएंगे, देखो एक माइनस तो ऑलरेडी है थर्ड क्वाड्रेंट में, कोसेक क्या होगा, ऑल साइन टेन, तो यहां पर कोसेक नेगेटिव होगा, और कोट क्या होगा हमारे, पॉजिटिव होगा, तो इसमें भी ये जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये रिजल्ट भी पॉजिटिव है और ये रिजल्ट भी पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में वापस चेक कर सकते हो, पाई बाई टू से लेकर अगर पाई की बात करूं तो इसमें साइन तो होगा पॉजिटिव और कोट क्या होगा हमारे, नेगेटिव, तो एक माइनस इसका, एक प्लस इसका, एक माइनस, तो टोटल रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी चारों में से कोई भी फलन ऐसा नहीं है जो न वर्धमान हो और न ही ह्रासमान हो, पर्टिकुलर इस रेंज में। क्लियर? तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन आप लोगों के दे रखा है, इस क्वेश्चन में देख लेना चेंजेस जो भी हैं, आप लोग अगर समझ गए हो तो खुद ही चेंज कर लोगे। अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि ये जो फलन है ना, ये कहाँ पर ह्रासमान है, ये वाला फलन जो है कहाँ पर ह्रासमान है, तो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, क्योंकि ह्रासमान और वर्धमान का निर्धारण कौन करता है, एफ डेस एक्स का चिन्ह, एफ डेस एक्स, तो इंटीग्रेशन इसने ले रखा है, हम डेरिवेटिव लेंगे तो इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा और फंक्शन जो है ऐसे कैसे उतर जाएगा, x माइनस वन और x माइनस टू। क्लियर? अगर यहाँ से चरम बिंदु निकालोगे तो एक तो आ जाएगा वन और एक क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। अब मुझे चिन्ह का निर्धारण करना, तो दो से बड़ा कोई भी मान रखो, दो से बड़ी कोई भी संख्या रखेंगे तो e की पावर थ्री पॉजिटिव, टू माइनस वन पॉजिटिव, थ्री माइनस वन पॉजिटिव, थ्री माइनस टू भी पॉजिटिव, इस रेंज में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। 1.5 रखते हैं, 1.5 माइनस वन पॉजिटिव, 1.5 माइनस टू नेगेटिव, और 1.5 यहाँ पर रखोगे तो पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इसकी अगर मैं बात करूँ तो जीरो रख देता हूँ, तो e की पावर जीरो वन हो जाएगा, यहाँ पर माइनस वन बचेगा या माइनस टू बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कहाँ पर होगा ये, वन लेस देन एक्स लेस देन टू पर ह्रासमान होगा। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो एफ डेस एक्स ये क्या आ जाएगा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स। क्लियर? अब यहाँ पर हमें बताना है कि कब आसमान होगा, जब लेस देन जीरो होगा। अब आपको अगर इसका डेरिवेटिव लेना है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके गुणनखंड करने के लिए सी डी सूत्र लगाना पड़ेगा, और सी डी सूत्र हम तभी लगा पाएंगे जब यहाँ पर या तो दोनों ही साइन में हो या दोनों ही कोस में हो। क्लियर? तो मैं इसको भी साइन में बदल देता हूँ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स और प्लस में साइन एक्स इज लेस देन जीरो। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन दिस प्लस दिस अपॉन टू, तो ये आ जाएगा पाई बाई फोर, कोस दिस माइनस दिस अपॉन टू, तो पाई बाई टू में डिवाइड कराओगे तो पाई बाई फोर, और माइनस के टू एक्स को डिवाइड कराओगे तो माइनस का एक्स, ये क्या आ गया, लेस देन जीरो।
तो टोटली ये तो रिजल्ट जीरो की तरफ जाएगा और अपने बच जाएगा कोस पाई बाई फोर माइनस एक्स इज लेस देन जीरो आ गया। अब कोस का रिजल्ट नेगेटिव कब होता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑल साइन टेन और कोस, कोस नेगेटिव होता है यहां पर और यहां पर, और इसको कैसे लिखा जाता है पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा तो आप लोगों को ये कंडीशन बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्लियर। तो यहां पर कोस नेगेटिव कब होता है, अगर मैं आपको ये कहूं कि कोस एक्स नेगेटिव कब होगा, तो कब होगा जब थीटा जो है ना पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू के बीच में हो। तो इस कंडीशन से अब की बार जो थीटा ये दे रखा ना, ये रिजल्ट जो है पाई बाई टू लेस देन पाई बाई फोर माइनस एक्स लेस देन थ्री पाई बाई टू आ जाएगा। तो पहले पाई बाई फोर को हटाओ, तो पाई बाई फोर को हटाओगे तो ये क्या जाएगा पाई बाई फोर में से पाई बाई टू में से पाई बाई फोर जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई बाई फोर लेस देन माइनस एक्स, और यहाँ पर थ्री पाई बाई टू में से भी लेस कराओ थ्री पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर, तो ये आ जाएगा हमारे फाइव पाई बाई फोर। तो ये रिजल्ट आ गया फाइव पाई अपॉन में फोर। अब अगर इस यहाँ से माइनस को हटाना चाहते हो तो माइनस को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन से को माइनस से गुणा करवाना पड़ेगा। तो कैसे करवाएंगे, देखो ये जो कंडीशन है, अगर माइनस के पाई बाई फोर इज लेस देन एक्स लेस देन माइनस के फाइव पाई अपॉन में फोर, एक तो यहाँ पर स्टूडेंट आंसर जो आया है, अगर मैं इस आंसर की बात करूँ तो कहाँ से मैच हो रहा है, तो नेगेटिव में अपने पास एक भी रेंज नहीं है, तो ये अपने नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर। इस फलन की बात करते हैं तो y बराबर हमें क्या दे रखा है x की पावर x, तो log लेना पड़ेगा, log y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा x log x आ जाएगा। अब डेरिवेटिव लो तो 1 अपॉन y और dy वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में क्या आ जाएगा x इंटू 1 अपॉन x और प्लस में 1 log x, तो dy वाई अपॉन डी एक्स यानी f डेस x क्या आ जाएगा हमारे y इंटू दिस, ये तो क्या हो गया 1 प्लस log x, और यहां पर क्या आ जाएगा हमारे y, और y का मतलब x की पावर x से है। तो चरम बिंदु निकालोगे ना, चरम बिंदु के लिए f डेस x क्या होता है हमारे जीरो होता है, यानी x की पावर x 1 प्लस log x बराबर में जीरो, ये तो कभी जीरो होगा नहीं, तो यहां पर केवल क्या बचेगा हमारे 1 प्लस log x इक्वल्स टू जीरो, तो log x की वैल्यू आ जाएगी हमारे माइनस वन, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे 1 अपॉन e, यहां से x की वैल्यू आ गई हमारे 1 अपॉन में e, क्लियर। तो यहां पर ये 1 अपॉन e हमने लिख दिया। अब देखते हैं 1 अपॉन e के लेफ्ट में और राइट में, एक ये जीरो तक परिभाषित होता है फलन, फलन क्या होता है यहां पर जीरो तक परिभाषित हो सकता है ना, लोग कहां पर परिभाषित होगा जीरो तक, तो ये पॉइंट आया तो नहीं, फिर भी हमने लिख दिया। तो अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि चिन्ह का निर्धारण करो, तो अगर इधर निर्धारण करना चाहते हो तो e की पावर 1 रख दो, क्योंकि e की पावर 1 इधर ही तो मिलेगा अपने को, e की पावर 1, तो e की पावर 1 से अगर निर्धारित करना चाहते हो तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखो f डैश x में रखो आप e की पावर 1, तो e की पावर e पॉजिटिव और 1 प्लस log e तो उसका भी मान आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये तो हो जाएगा हमारे पॉजिटिव। और इसमें अगर इस एरिया में चेक करना चाहते हो ना, तो e की पावर -2 पुट कर दो, e की पावर -2 यहां पर मिल जाएगी हमें कहीं, तो ये आ जाएगा हमारे e की पावर -2, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, केवल इसमें रखो तो 1 प्लस log e की पावर -2, तो 1 माइनस टू log e क्या आ जाएगा 1 माइनस टू आ जाएगा, तो नेगेटिव आएगा ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे नेगेटिव आ जाएगा, क्लियर। तो कहां पर आसमान होगा, 0 से 1 अपॉन e में, ये हमारे आंसर हो जाएगा, क्लियर। थोड़ा सा अब लास्ट में मैंने थोड़ी सी स्पीड जरूर बढ़ा दी है, लेकिन वो जरूरी भी है, वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाता है, तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी लास्ट में, क्योंकि क्वेश्चन सिमिलर है, रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर स्पीड थोड़ी सी बढ़ाई है, बाकी और कुछ भी नहीं, वो सिंपल लॉजिक चल रहा है। एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, मिनिमम ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर है, फलन जो है ना वो उलझा हुआ दे रखा है, पहले इसको हमें सेपरेट करना है कि कहाँ पर कौन मिनिमम है। तो ये डिसाइड करने के लिए फंक्शन को कैसे सोल्व किया जाता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि दोनों को बराबर रखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर जीरो, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस वन ये आ जाएगा ना, तो दो वैल्यू आ गई 0 और 1, क्लियर। तो एक नंबर लाइन हम बनाएंगे जिसमें एक तो लिखेंगे 0 और एक क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब देखेंगे कि इस एरिया में कौन मिनिमम है, यहाँ पर कौन मिनिमम है और यहाँ पर कौन मिनिमम है। अगर मैं यहाँ पर इस एरिया की कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ, तो जैसे 2, अगर 2 इसमें पुट करते हो तो ये तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, मिनिमम आंसर कौन दे रहा है x, तो इस एरिया के लिए फंक्शन हो जाएगा हमारे x। 0 से 1 के बीच में 0.5 रखो, तो 0.5 और ये 0.25, तो क्यों मिनिमम कौन दे रहा है, ये दे रहा है, तो
यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारे एक्स स्क्वायर। और अगर मैं माइनस वन की बात करूँ तो ये माइनस वन रखो इसमें, ये माइनस वन और ये प्लस का वन, तो मिनिमम यहाँ पर कौन दे रहा है, एक्स दे रहा है। क्लियर। अब यहाँ पर हमें बताना है कि जी एक्स किस प्रकार का होगा, वर्धमान होगा कि ह्रासमान होगा। तो सबसे पहले देखो जी एक्स को हमने सेपरेट किया, जिसके आंसर आ गए हमारे एक्स, एक्स स्क्वायर और एक्स। जब एक्स की वैल्यू जीरो से लेस देन है, जब जीरो से वन के बीच में है और जब जीरो से बड़ी है। क्लियर। ये तीनों वैल्यू आ गई। अगर मैं जी डेस एक्स निकालता हूँ तो ये फलन किस प्रकार का आएगा, देखो वन टू एक्स और वन, एक्स लेस देन जीरो, जीरो लेस देन एक्स लेस देन वन, एक्स ग्रेटर देन जीरो। क्लियर। अच्छा देखो इस रेंज में और इस रेंज में तो पता चल गया कि यहाँ पर तो आउटपुट पॉजिटिव है, अब इस रेंज में अभी 2x अनक्लियर है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो जीरो से वन के बीच में अगर बात करूं तो जीरो से वन के बीच की कोई भी संख्या रखो, जैसे 0.5, तो 0.5 इसमें रखोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस रेंज में ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव है। तो बताओ तीनों ही फलन खुद पॉजिटिव हो गए तो जी एक्स क्या होगा हमारे, जी एक्स यहाँ पर वर्धमान होगा, जी एक्स वर्धमान होगा। क्लियर। इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर एफ एक्स दे रखा है और बी के किस मान के लिए इस अंतराल में ये ह्रासमान होगा, यानी इस फलन के लिए मुझे बी का मान बताना है जब इस अंतराल में ये क्या हो, ह्रासमान हो। तो एफ डेस एक्स मैंने निकाला, क्या आ जाएगा, कोस एक्स और माइनस में बी। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो, आप लोग चाहो तो कॉमन सेंस से भी जवाब दे सकते हो, जिस तरीके से आप क्वेश्चन को करना चाहो हो जाएगा इजीली। अब देखो कोस एक्स माइनस बी, इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए हमारे, नेगेटिव होना चाहिए। अब यहाँ पर बी का मान मैं क्या रखूँ कि ये एफ डेस एक्स जो है नेगेटिव हो जाए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कोस एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होती है माइनस वन और मैक्सिमम वैल्यू होती है वन। अब यहाँ पर टोटल रिजल्ट मुझे क्या चाहिए, लेस देन चाहिए। तो बताओ यहाँ पर जो नंबर है, अगर मान लो सोचो मैंने यहाँ पर वन रख दिया, अगर मान लो कोस एक्स का मिनिमम मैक्सिमम रिजल्ट आ गया तो टोटल रिजल्ट तो नेगेटिव ही होना चाहिए, क्योंकि ये कह रहा है कि ह्रासमान होना चाहिए। तो बताओ बी की वैल्यू आपको क्या पुट करनी पड़ेगी, एक से तो बड़ी रखनी ही पड़ेगी, एक से तो बड़ी रखनी ही पड़ेगी। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक से बड़ी रखनी ही पड़ेगी, तो ये रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं टू पुट कर देता हूँ ना तो चाहे माइनस वन माइनस टू करो तो भी नेगेटिव आएगा, और वन माइनस टू करोगे तो भी एफ डेस एक्स क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो कुछ क्वेश्चन के आंसर ऐसे कॉमन सेंस से दे दो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से। तो स्टूडेंट यहाँ पर कोस एक्स माइनस बी, ये लेस देन जीरो की कंडीशन थी, तो लेस देन जीरो से फिर मैंने देखा कि कोस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है वन, मिनिमम वैल्यू क्या होती है माइनस वन। तो इस नंबर में से कौन सा नंबर घटाएं कि हमेशा रिजल्ट क्या हो, नेगेटिव आए, तो वो इस रेंज का बिंदु मुझे मिला। इक्वल वन क्यों नहीं ले सकता हूं, क्योंकि एफ डेस एक्स जीरो आ जाएगा, तो इक्वल वन की कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होगी। तो ये आंसर क्या आ जाएगा हमारे, बी ग्रेटर देन वन होगा, होगा तभी एफ डेस एक्स क्या होगा हमारे, लेस देन जीरो होगा। क्लियर। तो ये आंसर हो गया हमारे 51 वाला। अब यहाँ पर 52 वाला जो क्वेश्चन है इसको भी हम कर लेते हैं। देखो सबसे पहले इसको साधारण फलन में बदलना पड़ेगा। अब साधारण फलन में अगर बदलना चाहते हो तो यहाँ पर एक तो माइनस वन मिलेगा आपको और एक प्लस वन मिलेगा, तो इसके बीच में फंक्शन को ब्रेक करो। यहाँ पर जब एक्स की वैल्यू क्या हो, लेस देन माइनस वन हो, जब माइनस वन लेस देन एक्स लेस देन वन हो, और जब एक्स की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन वन हो। क्लियर। एक्स का मान माइनस वन से छोटा कोई भी सोचो, तो माइनस वन से छोटी कोई भी वैल्यू सोचो देखिए, तो माइनस टू, अगर मैं माइनस टू सोचता हूँ तो माइनस टू अगर मैं इसमें रखता हूँ तो माइनस टू और माइनस वन, माइनस की संख्या बच रही है, अंदर जो चिन्ह बचेगा ना वही बाहर आएगा, और यहाँ पर भी अगर मैं माइनस टू पुट करता हूँ तो ये भी नेगेटिव हो रहा है, तो इसके लिए मैं बाहर से सोल्व कर रहा हूँ, माइनस एक्स माइनस वन, माइनस में टू एक्स प्लस वन, तो माइनस एक्स और माइनस टू एक्स, माइनस का थ्री एक्स, प्लस का वन और माइनस का टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस का वन। क्लियर। तो लॉग में रिजल्ट क्या आ गया हमारे, नेगेटिव आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर लॉग में रिजल्ट हमारे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। लिखो यहाँ पर माइनस थ्री एक्स और माइनस में वन। अब अगर मैं ग्रेटर देन वन की बात करूँगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, तो ये तो हम फटाफट निकालते हैं कम से कम, क्योंकि टू अगर पुट करूँगा ना, टू माइनस वन भी पॉजिटिव हो जाएगा, टू प्लस वन भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे थ्री एक्स प्लस वन, लॉग थ्री एक्स प्लस वन। अब मुझे इसकी बात करनी, माइनस वन से वन के बीच में, तो जीरो रख दो,
तो 0-1 तो हो जाएगा नेगेटिव और 0+1 हो जाएगा पॉजिटिव। तो अब इसका आंसर क्या आएगा हमारे x+3 आ जाएगा। देखो ना ये प्लस का 2 और प्लस का 1, तो ये आ जाएगा हमारे log x+3। क्लियर। अब मैं इसका डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ तो क्या आएगा, देखो तीनों के डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, तो पहले वाले का तो आ जाएगा -k3/(-3x-1)। क्लियर। और सेकंड वाले का आएगा 1/(x+3)। ये और थर्ड वाले का आएगा 3/(x+3)। ये कंडीशन है x<-1) और -1x1 और x>1। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो, ये तो माइनस माइनस सब प्लस हो जाएंगे ना। x का मान -1 से छोटा कोई भी रखो और देखते हैं कि इसमें बिहेव पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो -1 से छोटी कोई भी संख्या, जैसे -2 रख देता हूँ तो 3, और ये आ जाएगा -6 और +1, तो 3/-5। इस रेंज में क्या आ जाएगा, -1 आएगा। -1 से 0 के बीच में आपको चिन्ह का पता लगाना, तो इस फलन में रखो, तो -1 से 1 के बीच में 0 होता ना, तो 0 इसमें रख दो, तो 1/3 आएगा। तो 1/3 क्या आ जाएगा हमारे, पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं बात करता हूँ इसकी, x>1, अगर मैं ग्रेटर देन 1 जैसे 2 अगर पुट करता हूँ ना, तो 3/6+1 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो बताओ किस रेंज में ये फलन हास मान है, ओनली इस रेंज में x>-1 पर, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो अब तो मैंने क्वेश्चन को धीरे धीरे बिना चरम बिंदु के निकालना शुरू कर दिया, आप लोगों को भी ये चीजें समझ में आ रही होगी। इसके लिए मुझे बताना कि ये फलन किस प्रकार का है, वर्धमान है कि आसमान है। तो f(x) जो है 1/3 -3/x2, और चरम बिंदु हम निकाल लेते हैं। चरम बिंदु के लिए f(x) को 0 के बराबर रखेंगे, तो यह आ जाएगा 1/3, यह आ जाएगा हमारे 3x2 और x²-9, ऐसे कर लो ठीक रहेगा। क्लियर। और इसके f(x) के फैक्टर अगर हम करते हैं, तो यह आ जाएगा x-3x+3/3x²। क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर चिन्ह का निर्धारण करते हैं। देखो तो चिन्ह का निर्धारण करते हैं, तो अपॉन में से तो x का मान 0 आएगा, एक ऊपर से 3 आएगा और एक क्या आएगा, -3 आएगा। तो इन सभी में हमें चिन्ह का पता लगाना है। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। 3 से बड़े वाले मानों पर हम बात करते हैं, तो 4 रख दो, 4-3 पॉजिटिव, 4+3 भी पॉजिटिव, और नीचे तो हमेशा पॉजिटिव आना ही है। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे, पॉजिटिव। 0 से 3 के बीच में 1 या 2 पुट कर दो। अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1-3 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 1+3 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और अपॉन में पॉजिटिव भाई, ये आ जाएगा नेगेटिव। -1 अगर मैं पुट करता हूँ तो ये भी माइनस की संख्या, -4 और ये +2, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और अगर मैं -4 पुट करता हूँ, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मुझे इसमें बताना था 54 वाले में ऑप्शन क्या दे रखे हैं 54 के। तो 54 के ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ये फलन जो है किस प्रकार का है। 54 कहाँ गया, एक अंतराल दे रखा था, मैंने क्वेश्चन अधूरा कर दिया, और ये अंतराल दे रखा था। ये कह रहा था कि -3 से लेकर 3 में किस प्रकार का होगा, तो -3 से लेकर 3 में तो ये क्या होगा, आसमान होगा। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर -3 से लेकर 3 में ये क्या होगा हमारे, आसमान होगा। क्लियर। और अब इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन आप लोग ही करना, मुझे जोर आने लग गया है। तो स्टूडेंट इतने सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, थोड़ा सा आज मैं लास्ट में जो थोड़ी सी स्पीड मैंने ज़्यादा रखी, आप लोग अपने हिसाब से स्पीड जो है कम भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन है, आप लोग चाहें तो मेरी स्पीड को कम भी कर सकते हैं। स्टूडेंट ये अपने इसका आज का जो अपने टॉपिक था, इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर था अपने, जिसमें हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा, जिसमें मैक्सिमा और मिनिमा मैं लेने वाला हूँ, ये कैलकुलस का लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद मैं वॉल्यूम फर्स्ट स्टार्ट करूँगा, जिसमें 11th का पार्ट होगा। क्लियर। तो फिलहाल आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।